सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं 2GB मोबाइल में गेम प्ले जो आप करते हैं उसका नेट सॉल्यूशन। तो गाइस, आप सब खेलते होंगे स्मूथ, क्योंकि 2GB में स्मूथ पे ही अच्छा चलता है। इसलिए मैंने ऐसा ट्रिक ढूंढा है जिससे आप अपने मोबाइल को अल्ट्रा पे करके खेल सकते हैं। तो गाइस, वीडियो पूरा देखना, बहुत इंटरेस्ट। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो आज का। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको बता दूं कि आपको पहले अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना होगा। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने सेटिंग में। तो आपको स्क्रोल डाउन करना है, आपको एडिशनल, आपको स्टोरेज मैनेजर जाना है। देख सकते हो आप सब इतने सारे ऐप आपने डाउनलोड किए हैं, जो जो आपको ऐप बहुत ज़्यादा आपका स्टोरेज खाता है। जैसे कोई 5 MB, 21 MB, तो आपको जिसे कोई ऐप ज़्यादा खाता है, जो इसका इसका 77 MB, तो आपको इसका जो क्लियर कैचेस कर देना है, या फिर आप यूज़ नहीं करते तो आपको इसको वो कर देना, ओके, जिससे आपका स्टोरेज थोड़ा हल्का हो जाएगा। आपको ऐसे ऐसे करते करते सब ऐप का ऐसा कर देना है। लेकिन फ्री फायर को आपका जो आपने कपड़ा जो डाउनलोड करते हैं ना, जो आप बंडल वंडल पहनते हैं, उसका स्टोरेज आप जल जो कपड़ा मतलब जब आप जो पहनते हो उससे डाउनलोड करके रखो, वरना फिर सबको उड़ा दो, क्योंकि आपको गेम खेलने से मतलब है। और आपको जब गूगल का यूज़ नहीं करते हो तो क्लियर कैचेस कर दो। और फिर ऐसे ऐसे करते करते आपको पूरा जो आप यूज़ नहीं करते ऐप उसका कर दीजिए। तो पहला स्टेप ये था, सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो गाइस, अपना सेकंड स्टेप है अपने प्ले स्टोर में। तो गाइस, आप सबको पहले अपना इस पर टाइप कर देना है, आपको जो ये दिख रहा है माय ऐप गेम्स, इसको आप पे टाइप कर देना है। जब आप टाइप करते हो तो देखिए आपको इधर अपडेट अपडेट दिखता है, जो कि आप देखिए आपको स्टोरेज दिखा रहा है, तो आपको स्टोरेज में टाइप करना है। आप देख सकते हो कि जो जो लार्जेस्ट फाइल इसमें दिखा रहा है, आप इसमें से जो जो यूज़ नहीं करते उसको डिलीट भी कर सकते हो। तो गाइस जैसे, और आपका जो ये अपने आप अपडेट होता है, इसको आपको यहाँ पे 3 डॉट पे टाइप करना है, यहाँ पे आपको सेटिंग पे टाइप करना है, यहाँ पे जनरल पे टाइप करना है, आपको देखो यहाँ पे ऑटो अपडेट ऐप पे लिखा है, इस पर आपको यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे आपको डोंट ऑटो अपडेट ऐप पे टाइप कर देना है, जिससे आपका ऐप कभी भी अपने आप अपडेट नहीं होगा और आपका स्टोरेज नहीं भरेगा। तो गाइस, अपने थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो गाइस, आपका थर्ड स्टेप है आपका फाइल मैनेजमेंट, जो कि आपको आपके पास अगर SD कार्ड है तो आप मोबाइल में SD कार्ड डालने से, देखिए मेरे मोबाइल का स्टोरेज है 10 GB, अब मैंने SD कार्ड डाला है जिसका अवेलेबल स्पेस अभी बहुत है, लेकिन इसमें इसका दिखा रहा है कि 7.41 भरा है, लेकिन भरा नहीं है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। आपको क्या करना है, एक आपके पास कितने GB वाला, 4 GB वाला, 16 GB वाला, कितने भी GB वाला आपके पास SD कार्ड है तो आप मोबाइल में डाल दीजिए। और आपका जो जो आप यूज़ देखिए, आप इसमें देखो एंड्रॉयड में जाते हो, डाटा में जाते हो, तो आपको कितने सारे ऐप के ये दिखते हैं, जो कि सब ऐप का जो क्लियर जो डाटा है इसमें सेव कर लेता है। आपको पूरा इसमें से जो सिर्फ फ्री फायर को छोड़ के और सबको इसमें उड़ा देना है, क्योंकि ये हमारे कुछ काम का नहीं रहता। इसको आपको डिलीट टाइप करना है, डिलीट। आपको ऐसे ऐसे करते करते आपका जो जो यूज़ नहीं करते हो फाइल वो सब उड़ा देना है, जैसे यहाँ पे बैकअप ये उड़ा देना है, ये उड़ा देना है। अगर आपने यहाँ पे कुछ डाउनलोड किया है, जो आप मतलब कि आपने कभी डाउनलोड किया है, जो कि आपने मोबाइल में डाउनलोड किया है कभी का, आप वो सब मतलब ऐप भी यूज़ नहीं करते, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड पे जितने सारे ऐप रहेंगे आप वो सब उड़ा देना। तो गाइस, थर्ड स्टेप यही था, आपका SD कार्ड एकदम खाली कर देना, एकदम खाली। यहाँ पे देखिए मैंने खाली कर दिया, क्योंकि मेरा देखो मैंने ये खाली कर दिया है, सिर्फ इसमें मतलब ये फॉर्मेट होए तभी भी इसमें काम चलता है। तो गाइस, अब आप जब आप गेम खेलोगे अब तो आपका गेम उतना लैग नहीं होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।